फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बिना घी तेल के हम पराठे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आटा ले लिया है। आपको जितना चाहिए उतना आटा आप अपने मेजरमेंट से ले लीजिए और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मल लेंगे, जितना जैसे हम रोटी का आटा मलते हैं ना सॉफ्ट, बिल्कुल बस थोड़ा सा उसे हम हल्का सा टाइट मलेंगे, बहुत टाइट नहीं, पूड़ी जैसा नहीं मलना है, बिल्कुल हमें जैसे हम रोटी बनाते हैं ना आटा मलते हैं वैसा ही सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा मैंने मल लिया है सॉफ्ट। अब हम इसको इस तरह से 7-8 मिनट तक ऐसे खींचते रहेंगे आटे को। इसी में आप परात में मल रहे हैं तो परात में, आप स्लैब पर ऐसे खींचना चाहते हैं तो ऐसे खींचिए, लेकिन आटे को हमें 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही हमें खींचना है आटे को। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा तैयार हो गया है बिल्कुल बढ़िया। अब इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी कम कुछ दान बूंद इसमें आटा तेल रिफाइंड ऑयल जिसमें कोई स्मेल ना हो वो लेकर के, और इसको हम इस तरह से हम चिकना करके और ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप इसको रख सकते हैं 1-2 घंटे तो आप 1-2 घंटे भी रख सकते हैं इस तरह से मल के और ढक करके, तो ये थोड़ा फूल जाएगा, लेकिन मैं खाली 15-20 मिनट ही इसको रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे, छोटी छोटी, आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी हम लोइयां तोड़ लेंगे। मैं बहुत बड़े पराठे नहीं बना रही हूँ, छोटे बना रही हूँ। इस तरह से हम एक पेड़ी को हम इस तरह से अच्छे से इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे जिसको हम पलेथन बोलते हैं, इसको हम खूब अच्छे से बेल करके, पतला बेलूँगी मैं बिल्कुल इसको इस तरह से। और अब मैं इसको नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से इसको मैं काट लूँगी इस तरह से, मैं इसको इस तरह से स्ट्रिप्स इसकी काट लूँगी ऐसे। और अब मैं इस पर थोड़ा सा ये आटा बुरक लूँगी और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये आगे पीछे भी फोल्ड होंगे तो कोई हर्ज नहीं है, बस हमको इसको इस तरह से, हम कई तरह से इसके पराठे बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल भी, मैं आपको 2-3 तरह के सिखा दूंगी इसमें बता दूंगी, तो हम कई तरह के इसके बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इसको बेल लूंगी छोटा सा, लेकिन इसका पराठा जो हम बनाएंगे वो हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत पतले हम नहीं बनाएंगे, बस मैं इतने छोटे छोटे से बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये 4-5 बना के रख रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं उबलते पानी में आपको डालना है जब पानी तेज बॉईल हो रहा हो, और हम ये धीरे धीरे करके ये जो रोटियां हैं इनको हम इसमें डाल देंगे। अभी 3 ही आ रही हैं तो इसलिए मैंने 3 ही डाली हैं। इसको बॉईल, जैसे ये बॉईल होंगी पकने लगेंगी ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। फिर मैं इसके बाद, ये 4 मैंने बनाई है तो एक और मैं उसके बाद इसमें डाल दूंगी, फिर मैं आपको हाथ के हाथ दिखाऊंगी कि जैसे ये ऊपर आए। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर आ गई। अब मैं इसमें नीचे, क्योंकि जगह हो गई है तो ये वाली इसमें नीचे मैंने डाल दी है। इनको बॉईल होने दीजिए फुल फ्लेम पर, मीडियम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसे हम गट्टे बनाते हैं उबलते पानी में, वैसे हम इनको भी हम बना लेंगे। ये बिल्कुल पक जाती है, अभी हम इनको नहीं करेंगे पलटेंगे। आपको लगता है कि पलटना है तो आप पलट देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये आराम से एक साइड से भी उबलती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये पकता है आटा ना, तो ये ऊपर आ जाते हैं, वो भी नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब ये तेज बॉयल होने लगी। जैसे ही आप रोटी डालते हैं ना आँच धीमी हो जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक, क्योंकि आप कुछ बाहर के टेम्परेचर की चीज़ डालेंगे तो जो वो है ना अंदर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो देखिए ये कितना तेज अब बॉयल हो रहा है
और हम अब इसको इस तरह बहुत ज़्यादा कलछी नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये क्या है कि टेम्परेचर इसका ना कम होने लगता है, वो हमें नहीं होने देना है। और हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, करीब पाँच से सात मिनट तक इसको आप, 5 मिनट तो आप ज़रूरी बॉईल होने दीजिए, जिससे ये अच्छे से इसमें पक जाए, बिल्कुल जैसे बाफला पकता है ना वैसे अच्छे से पक जाएंगी 4 से 5 मिनट में, फिर आपकी ये पक जाएंगी और आप आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 मिनट हो गए हैं उबलते पकते हुए, इसको मैं ऐसे पलट दूंगी बहुत आसानी से। और अगर जैसे क्या होता है कि आप सोचे कि नहीं चिपक जाएंगी, हम तेल डाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये पकेंगी तो ये अलग ही रहेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकेंगी, ये पकती रहेंगी और अलग ही रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आटा पकेगा आटा अपने आप चिकना होता जाता है। तो हम इसको पलट दिया, फिर मैं इसको बॉयल होने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तिकोनी बनाई है ऐसे, जैसे मैं आपको एक पेड़ी का बताती हूँ कि ये मैंने लिया। आप इसमें पलेथन अच्छे से लगाइएगा, कम नहीं लगाइएगा पलेथन, और ये मैंने थोड़ा पलेथन अंदर लगाया, इसको ऐसे मोड़ा और फिर इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे लिया और इसको हम थोड़ा सा बस 2 बेलन लगाएंगे, थोड़ी मोटी रखिएगा, पतली नहीं रखिएगा। और मैं छोटी छोटी ही बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ऐसे मैं ये तिकोनी बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, मैंने पलट दिया था, अब मैं इनको धीरे धीरे एक प्लेट में इसमें निकाल लेती हूँ इस तरह से। इसका पानी पूरा निकाल दीजिए आप, अगर आपको कलछी से लगता है नहीं निकल रहा है तो हम चिमटे से भी इसको ऐसे पकड़ के और निकाल सकते हैं और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। देखिए कितनी चिकनी हो जाती है, बिल्कुल गट्टे की तरह, देख रहे हैं आप। कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल डालने की कि अरे नहीं ऑयल के बिना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। ये देखिए कितनी अच्छे से पक गई हैं, बिल्कुल जब इतने हम गट्टे बनाते हैं वो पक जाते हैं तो ये क्यों नहीं पकेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने ये प्लेट में निकाल दिया है, ये देखिए इसको अब मैं इसमें पहले दूसरी जो बनाई है तिकोनी वाली वो बॉईल करने के लिए डाल दूंगी, फिर इनको मैं सेकूंगी, वो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तिकोनी मैंने बेली थी, देखिए नीचे बैठ गई है ना, देखिए आप, क्योंकि जैसे ही हम ये डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए अभी मैं और इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए जैसे जैसे ये ऊपर आएगी ना फिर मैं इसमें 2 और डाल दूंगी, देखिए ये ऊपर आ रही है ना, देखिए जगह हो रही है नीचे, और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये चली जाएगी नीचे और ये ऊपर। इस तरह से हमें ध्यान रखना है बॉइलिंग टेम्परेचर का, कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है तो हमको ये बॉइलिंग टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ज़्यादा रखना है, तब हम नेक्स्ट डालेंगे, है ना। ये देखिए बॉइलिंग होने लगा शुरू, अब ये ऊपर आ जाएंगी, फिर मैं एक और डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने OTG 250 डिग्री पर मैंने गर्म किया हुआ है और ये प्री हीटेड है, और इसमें मैंने ये चारों जो बॉइल हुई थी इसमें रख दी हैं मैंने, और जब ये सिक जाएंगी तब हम इसको इसमें निकाल लेंगे, इनको पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इसमें सिक जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पलट दिया है, ये वाली बॉयल एक साइड से हो गई है, इनको मैंने पलट दिया है इस तरह से, और इनको फिर से मैं इसमें 2 से 3 मिनट इसको मैं इस तरफ से भी पका लूँगी, आपको मैं ओवन वाली दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ओवन में पूड़ी जैसे कितने खूबसूरत पराठे बन रहे हैं, ये परत वाले, आप जब इनको खाएंगे ना, करारे करारे लाजवाब पराठे, बिल्कुल सिक गए हैं। और अब मैं इनको बस 1 मिनट में निकालने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त एकदम ये तैयार हो गई हैं, बिल्कुल पराठे मेरे बढ़िया से परत वाले, जब आप इनको खाएंगे ना करारे करारे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एयर फ्रायर में सेकने वाली हूँ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और बिल्कुल हम इसको ऐसे छू नहीं पाते हैं, तो आप थोड़ा केयरफुली इस काम को करिएगा। तो इस तरह से मैं देखिए इनको ऐसे मैं रख देती हूँ, मेरे एयर फ्रायर में खाली एक बार में 3 ही आ रही हैं, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि एक के ऊपर एक आ जाए अगर,
तो ये चार आ जाएंगे। तो इस तरह से एयर फ्रायर में हम इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे यानी 200 डिग्री पर मैं इसको 20 मिनट पे सेट कर रही हूँ और मैं इसको 20 मिनट के बाद निकाल के चेक करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी सिक गई हैं। इसको मैं एक बार पलट देती हूँ सबको, बहुत गर्म है, ध्यान से करिएगा आप भी जब भी करें तो, क्योंकि बहुत गर्म है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर ये सिक रही हैं। एक साइड से बिल्कुल बढ़िया सी सिक गई है, मैंने आपको दिखाया था, देखिए। अब मैं इसको पलट करके दूसरी साइड से सेक रही हूँ। अब मैं इसको दोबारा से अंदर फिट कर देती हूँ, ये ऑन हो गया है। अब मैं इसको बाकी के 10 मिनट सेक लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये तिकोनी जो मैंने बेली थी वो इसमें ओटीजी में हो रही है, और बाकी मैंने नॉर्मल गोल बनाई थी रोटी बॉईल करके, वो देखिए ओटीजी में सिक रही हैं और उसमें भी चल रही हैं मेरे एयर फ्रायर में। तो इस तरह से मैं ढेर सारी रोटियां ऐसे बना लेती हूँ, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है और बिना ऑयल के, बिना किसी परेशानी के फटाफट हमारी बढ़िया सी रोटियां तरह तरह की बन जाती हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और अभी 20 मिनट नहीं हुए हैं, अभी इसमें 20 मिनट होने में 2 मिनट बचे, 18 मिनट में ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एकदम बढ़िया सी, ये देखिए पराठे हमारे करारे करारे खस्ता पराठे तैयार हुए हैं, और अब मैं इनको सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है आज का हमारा लंच। तो देखिए ये बिना ऑयल के बढ़िया से हमारे एयर फ्रायर में बने हुए पराठे, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्या बढ़िया एकदम मस्त, ये देखिए पूरे अंदर से आप लेयर पर परत देख सकते हैं, है ना, तिकोने वाले और गोल वाले, देखिए ये रहे गोल वाले, है ना, जो मैंने चाकू से काट के बनाए थे, ये देखिए बढ़िया खस्ता खस्ता, ये देखिए लेयर्स, देखिए अंदर तक सिका हुआ है पूरा, ये देखिए। तो ये आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि ऑयल में जब तक हम नहीं तलेंगे तब तक पराठे नहीं बनेंगे, लाजवाब बहुत बढ़िया खाना बनता है ये, बिल्कुल ऑयल फ्री मेरी दाल है, मूंग की बनाई है मैंने, तड़के वाली बढ़िया दाल है एकदम। इसके साथ आज हमारा ये लंच होने वाला है, काली मिर्च नमक डाल के मैंने टमाटर और खीरा काटा है, सिंपल लंच है, बिना ऑयल का हेल्दी फूड है, बढ़िया खाना और फटाफट बन जाता है। तो आप ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स पर आकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और आप अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टफ्ड भी आकर के बताऊंगी एक दिन। तो ये जो मेरी बनाई हुई मूंग की दाल है ना बिना ऑयल की, तो ये भी मैं एक दिन आपको इसकी रेसिपी दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया फटाफट बनती है। तो अनूठी पे विज़िट करिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पर आते रहिए, सबको बताते रहिए और अनूठी पे विज़िट करते रहिए। अनूठी पे विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।